हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 3 फोर्स एंड प्रेशर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ फोर्स क्या होता है एंड प्रेशर क्या होता है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है पुश और पुल। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं जिसके कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, मूवमेंट होता है, तो हम उसे फोर्स कहते हैं। फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है मेजरमेंट ऑफ हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग अपॉन एन एरिया, कि एक एरिया में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, उसकी जो मेजरमेंट होती है वो होता है प्रेशर। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज़ अ फोर्स? अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग रिमेन स्टेशनरी। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है वो वैसे का वैसा रह सकता है। एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है सेम स्पीड से, सेम डायरेक्शन में, जब उसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पर है, जब तक इसमें फोर्स नहीं लगेगा इसमें मूवमेंट नहीं होगा। और एक ऑब्जेक्ट जो मूविंग है, जब तक इसमें फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसकी स्पीड और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। दिस इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। नाउ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इन फिगर 3.1 अ कार मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मैन अप्लाइज फोर्स फ्रॉम बिहाइंड। जैसा कि हम देख सकते हैं इस फिगर में कि ये फोर्स लगा रहा है तो कार सामने तरफ मूव कर रही है। एक डॉग है जिसे पुल किया जा रहा है उसके मास्टर के द्वारा, लेकिन वो मूव करना नहीं चाहता है। एक बॉय है जो फुटबॉल को किक कर रहा है और बॉल दूर जा रही है। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने देखा कि दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स एक्ट कर रही है, और वो फोर्स कैसे एक्ट कर रही है? उनके इंट्रैक्शन से। उनके इंट्रैक्शन से मतलब वो दो चीज़ें जब कॉन्टैक्ट में आ रही है तो वहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है। अब क्या है फिगर 3.2 में? आयरन नेल्स हैं, वो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जा रही हैं। क्यों? मैग्नेटिक फोर्स के कारण। एक कोकोनट फॉल हो रहा है फ्रॉम द कोकोनट ट्री, है ना? ये क्यों हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, क्योंकि हमारा अर्थ हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। इस कारण से ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम किसी भी बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे वापस आती है। क्यों वापस आती है? क्योंकि अर्थ उसे अपने तरफ खींचता है। That is only gravitational force. जब हम किसी कॉम को क्या करते हैं, रब करते हैं अपने हेयर के पास, तो उसके बाद जब हम उसे छोटे छोटे पेपर्स के पास रख दें तो क्या होगा कि वो अट्रैक्ट हो जाएंगे कॉम से। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो कॉम है वो उसमें इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज आ जाएगा। And there is an induced opposite charge on the pieces of paper and the piece sticks to the comb. और क्योंकि वहाँ जो पेपर रखे हैं उनमें अपोजिट चार्जेस होंगे, इस कारण से वो जो पेपर हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे उस कॉम की तरफ। इन फिगर 3.1 अ फोर्स इज सीन टू एक्ट थ्रू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वाया वन और मोर ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या देखा था फिगर 3.1 में? कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच इंट्रैक्शन हो रहा था, दो बॉडीज़ के बीच कॉन्टैक्ट हो रहा था, जिस कारण से फोर्स एक्ट कर रहा था। इसीलिए हम इन फोर्सेस को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच अप्लाई होता है, मैटर नहीं करता कि दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हो या नहीं हो, ऐसे फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि हमने आयरन और मैग्नेट का एग्जांपल देखा कि उनमें कॉन्टैक्ट नहीं है फिर भी वो उसमें क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है ना? तो ये क्या हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। मस्कुलर फोर्स जो होता है ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल होता है, और ये ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स। इट इज़ अप्लाइड इन सेवरल केसेस सच एज लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग। ऑन द contrary, forces like magnetic force, gravitational force, electrostatic force,
इनमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि मैंने आपको आयरन का एग्जांपल दिया या फिर मैंने आपको बताया कि हमने बॉल को ऊपर फेंकी तो बॉल अपना ऊपर जा रही है। अब बॉल को नीचे आने में क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब हमारा अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, क्या बॉल और अर्थ में कॉन्टैक्ट है? नहीं है, फिर भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है और वो बॉल अर्थ की तरफ खींची आ रही है। इसका मतलब यहाँ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन फोर्स लग रहा है, इसीलिए ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, जहाँ पे कोई दो बॉडीज़ के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होता है लेकिन फोर्स लगता है और ऑब्जेक्ट मूव करता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। When a ball is kept on a table and pushed a little, it moves ahead and gets slow and stops. जब हम एक टेबल पे बॉल रखिए उसको थोड़ा सा हल्का सा पुश करते हैं तो थोड़ी दूर तक वो जाती है, फिर वो रुक जाती है। A car running on a plain road travels some distance and stops after the engine is switched off. यदि एक कार के इंजन को स्विच ऑफ कर दिया जाए और वो कार एक सीधे सीधे रोड में चल रही है तो वो थोड़े देर तक चलती है फिर वो बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है और जो ग्राउंड है इनके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने पहले भी पढ़ा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो ऑब्जेक्ट्स इंट्रैक्ट करते हैं और उनके बीच क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण एक चलती हुई कार रुक जाती है यदि आप उसका इंजन बंद कर दें। एक मूविंग बॉल है तो वो भी रुक जाती है यदि आप क्या करें, उसको थोड़ा सा पुश करके छोड़ दें। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स द ऑब्जेक्ट वुड हैव रिमेन्ड इन मोशन। यदि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो वो ऑब्जेक्ट मूव करती रहती, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हमेशा मोशन जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, उसे वो रोक देगा, रोकता है। यदि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे क्योंकि हम स्लिप कर जाएंगे। हमारा जो पैर है हम नॉर्मली चल पाते हैं। क्यों चल पाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है, इसीलिए हम आराम से कदम रख पाते हैं और चल पाते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स बहुत यूज़फुल होता है डेली बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया वॉक करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, ग्राउंड को पुश करना पड़ता है अपनी फीट से और फिर हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप हो जाएंगे और हम चल भी नहीं पाएंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहते हैं इनमें फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आपने क्या देखा होगा कि जैसे ही हम केले के छिलके के ऊपर चलते हैं वैसे ही हम स्लिप हो जाते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? या फिर हम मड में होते हैं तो स्लिप हो जाते हैं, क्यों होता है? क्योंकि ऐसी जगहों में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, है ना? फ्रिक्शन ऐसी जगह जो बिल्कुल प्लेन है या बहुत ही स्टिकी टाइप की है, ऐसी जगहों में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और इस कारण से हम स्लिप हो जाते हैं। तो यदि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहे तो हम नॉर्मली भी चल नहीं पाएंगे, हम स्लिप हो जाएंगे और हम गिर जाएंगे। नाउ आपको एक्टिविटी दी हुई है, क्या करना है आपको? एक आपको बिग प्लास्टिक ट्रे लेनी है जिसको आप फिल करना है पानी से, और ऐसी आपको दो बॉटल्स लेनी है, और लीव द टू बॉटल्स फ्लोटिंग विथ मैग्नेट एट द टॉप। अच्छा, आपको क्या करना है, एक आपको ऐसे प्लास्टिक की ट्रे लेनी है, इसको पानी से भर देना है, फिर आपको दो प्लास्टिक की बॉटल लेनी है और उसमें मैग्नेट रख के उसे नॉर्मली पानी में फ्लोट करने के लिए छोड़ देना है। अगर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज़ नियर द साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट द बॉटल्स विल हेड टुवर्ड्स ईच अदर। क्या होगा कि यदि एक तरफ N है और एक तरफ S है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, है ना? क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फोर्स में, क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट होते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि बॉटल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, एंड हम क्या देखेंगे, वी कैन ऑब्जर्व चेंज इन द मोशन ऑफ बॉटल्स विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स में होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी ये बॉटल जो इस तरफ मूव कर रही थी ये इस तरफ मूव करने लग जाएगी। क्यों ऐसा होगा? मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो कॉन्टैक्ट नहीं होने के बाद भी डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में चेंज आ जाएगा,
दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट्स. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि दो मैग्नेट के बीच में एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट करता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. तो चलिए पढ़ते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है. तो आपको एक एक्टिविटी से समझाया है. आपको क्या करना है कि आपको लेना है कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है और उसमें दो आपको स्ट्रिंग बांध देनी है और उस स्ट्रिंग में आपको क्या करना है कि वेटिंग जो पैंस होते हैं वो ले लेना है, है ना. ये वेटिंग पैंस लेने के बाद आप क्या करेंगे कि दोनों में इक्वल फोर्स रखेंगे. तो इक्वल फोर्स रखने से क्या होगा कि ये जो पैन है और ये जो पैन है ये दोनों मूव नहीं करेंगे, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे. लेकिन जैसे ही आप किसी एक पैन में, समझिए ये ए है ये बी है, मैंने ए में ज़्यादा मास का ऑब्जेक्ट रख दिया, ज़्यादा वेट का ऑब्जेक्ट रख दिया और इसमें कम वेट का ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा कि जो स्ट्रिंग है वो इस तरफ मूव करने लग जाएगी. इस तरफ क्या होगा, फोर्स हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इस तरफ हम मूवमेंट देखेंगे, ऐसा हो जाएगा. तो होता क्या है कि जब हमने दोनों तरफ इक्वल मासेस के ऑब्जेक्ट्स रखे थे, इक्वल वेट के ऑब्जेक्ट रखे थे, तो इन दोनों में इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था और इसका मतलब था कि यहाँ पे बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा था. जहाँ पे फोर्स कितना था, ज़ीरो था, क्योंकि मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं था. और इसके कॉन्ट्ररी हमने देखा जब हमने एक पैन में ज़्यादा मास रख दिया, ज़्यादा वेट रख दिया, तो क्या हुआ कि उस तरफ वो बॉक्स मूव करने लग गया, जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उस तरफ मूव करने लग गया. तो यहाँ पे अनइक्वल फोर्स अप्लाई हो गया बॉक्स में और इसी अनइक्वल फोर्स को कहते हैं अनबैलेंस फोर्स. एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट करने लगा जिसके कारण इम्पार्टिंग मोशन होने लगा बॉक्स में. क्या होने लगा, ये बॉक्स इस तरफ मूव करने लगा क्योंकि इधर ज़्यादा फोर्स आ गया. तो यही होता है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे फोर्स ज़ीरो होता है क्योंकि इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दोनों तरफ, और जहाँ पे एक तरफ ज़्यादा फोर्स लगता है एक तरफ कम लगता है वो अनबैलेंस फोर्स होता है. तो जैसे बच्चे खेलते हैं टग ऑफ वॉर, इसमें क्या होता है, एक रस्सी रहती है और फिर दोनों तरफ से खींचना रहता है. तो स्टार्टिंग में तो हम देखते हैं बिल्कुल ही बैलेंस फोर्स रहता है, दोनों साइड से बच्चे खींचते हैं और बिल्कुल बैलेंस रहता है. लेकिन धीरे धीरे जिस तरफ जिनमें ज़्यादा मस्कुलर रहती है पावर, वो लोग क्या करते हैं, उस रस्सी को अपने तरफ खींच लेते हैं, और जब वो अपने तरफ खींच लेते हैं तो ये अनबैलेंस फोर्स हो जाता है क्योंकि एक तरफ ज़्यादा फोर्स लगने लग जाता है और इसलिए जो रस्सी है वो उनके तरफ आने लग जाती है. तो इससे हमने क्या जाना, हमने कुछ चीज़ें जानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लगाया जाए उसी के डायरेक्शन में, तो उसका फोर्स में वो जो सेवरल फोर्सेस लग रहे हैं वो ऐड हो जाते हैं. और यदि किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है कि उसका जितना फोर्स है उससे जितना फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है. किसी भी फोर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड में एंड डायरेक्शन में. और जो फोर्स होता है ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसमें दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें डायरेक्शन भी होता है. तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अस ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इट मूव्स. किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करने से वो मूव करने लगता है और उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. और एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए. कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूविंग है और उसको आपको रोकना है तो वहाँ भी फोर्स की ही ज़रूरत होती है. कोई भी फोर्स एक ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है. हम जब क्या करते हैं, आटा लगाते हैं फ्लोर से, तो क्या होता है, हम शेप चेंज करते हैं. कैसे शेप चेंज करते हैं, फोर्स अप्लाई करके. और क्या होता है, पॉटर जैसे होते हैं, ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक शेप के पॉट्स बनाते हैं. कैसे, फोर्स लगाकर. तो हम क्या है, फोर्स लगाकर हम किसी भी चीज़ का शेप चेंज कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू इनर्शिया,
हमने देखा है दैट एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू फोर्स. हमने देखा है कि एक ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाता है. स्टेट ऑफ मोशन मतलब यदि वो मूविंग है और हम उस पर फोर्स लगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो हम उसे रोक सकते हैं, या यदि वो स्टेशनरी है तो हम फोर्स लगा कर क्या क्या कर सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं. यदि फोर्स नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू रिमेन इन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन. यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही करता रह जाएगा, वो तो नहीं रुकेगा. तो इनर्शिया होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में ही रहता है, इसे ही हम उसकी इनर्शिया कहते हैं. वो कब तक अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में रहता है? जब तक उस पर फोर्स ना लगे. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी कि वो अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में रहता है, उसे हम इनर्शिया कहते हैं. इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है वो स्टेशनरी स्टेट में ही रहता है, यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहता है, जब तक उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तब तक. तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर पे. तो आप सब ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो टू व्हीलर्स के टायर्स होते हैं या फोर व्हीलर्स के टायर्स होते हैं, उन्हें हम प्रेशराइज करते हैं. एयर फिलिंग जो मशीन होती है जिससे हम हवा भरते हैं, वो क्या करती है, प्रेशर डालती है और इंडिकेट करती है. क्या उसमें एक मीटर होता है जो इंडिकेट करता है कि कितना प्रेशर इसमें है. तो जो मशीन होती है वो क्या करती है, प्रेशर एक वैल्यू तक ही डालती है, उससे ज़्यादा नहीं डालती. क्यों? क्योंकि वो टायर्स फट जाएंगे. फिर हम दूसरी बात ये जानते हैं कि किसी भी टायर में हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं और फोर्स की हेल्प से उसमें हवा भरते हैं, एयर भरते हैं. अब बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अप्लाई करके हम क्या करते हैं, एयर का जो प्रेशर होता है उससे बढ़ा देते हैं और इसी से एयर इज़ पुश्ड इनटू द टायर. तो क्या फोर्स एंड प्रेशर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स एग्जर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया. एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगाया गया है यही प्रेशर होता है. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड. कि एक एरिया में कितना फोर्स अप्लाई किया गया है ये उसका प्रेशर होता है, इसे ही हम प्रेशर कहते हैं. नाउ यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन एन. एरिया इज मेजर्ड इन एम स्क्वायर. देयरफॉर द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज एन स्लैश एम स्क्वायर. इट इज नोन एज पास्कल, पी ए. इन द एटमोस्फेरिक साइंस द यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार. वन बार इज इक्वल्स टू 10^5 पी ए. और प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है. तो इससे हमें क्या पता चला कि जो फोर्स होता है फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में. देन जो एरिया होता है एरिया को हम करते हैं मीटर स्क्वायर में, है ना. इसीलिए जब हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं कि एक ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, एन न्यूटन अपॉन या स्लैश आप कह सकते हैं अपॉन एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू पास्कल पी ए. तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर होती है पास्कल और एटमोस्फेरिक साइंस में यूनिट ऑफ प्रेशर होती है बार. वन बार होता है 10^5 पी ए पास्कल. और प्रेशर एक स्केलर स्केलर क्वान्टिटी मतलब क्या होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता है. If area increases, pressure reduces for the same force. क्या होता है यदि area जैसे जैसे बड़ी होती जाती है. अब आप खुद सोचो कि कुछ न्यूटन फोर्स लग रहा है और वो थोड़ी सी जगह में लगा या एक छोटे से ऑब्जेक्ट में लगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आप एक छोटे से पत्थर को मूव कर रहे हो, है ना. आपने उसे बहुत ईजिली मूव कर लिया तो इससे क्या हुआ कि प्रेशर कितना लगा, प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा लगा आपसे, इसलिए वो मूव हो गया.
लेकिन आप ये सोचो कि आप उस सेम फोर्स से एक बहुत बड़े पत्थर को मूव कर रहे हो और फोर्स चेंज नहीं हुआ है, फोर्स उतना ही है जितना आपने उस छोटे से में लगाया था। तो क्योंकि एरिया अब इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और इसी कारण से वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। एंड इफ द एरिया डिक्रीजेज, और अगर एरिया डिक्रीज हो जाती है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाती है सेम फोर्स में, और यदि उस छोटे पत्थर से भी बहुत छोटा पत्थर आपने ले लिया और उसे सेम फोर्स से मूव किया तो वो उसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा और वो ज़्यादा अच्छे से बहुत दूर मूव करने लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। अब आगे हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 में।